खोराबार थाने की पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपीसीडी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अर्जुन निषाद उर्फ बोदर पुत्र जगतलाल निवासी भैंसहा टोला कहरौटी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का एक मोबाइल दो मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। एसपीसीटी ने बताया कि वादी मुकदमा 3 मई को अपने मित्र के साथ अपने मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस से अपने मित्र के बुआ की शादी में गया था। वहां से रात में वादी मुकदमा उपरोक्त तथा उनके मित्र अपने घर मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, तो जब वह लखनऊ कुशीनगर हाईवे पर पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो रघुनाथपुर की ओर ढलान पर 4 व्यक्ति उनका मोबाइल तथा मोटरसाइकिल लूटकर भाग गए, जिसके संबंध में थाना पिपराइश पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको देखते हुए अभी जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी जयनारायण शुक्ल, वरिष्ठ उप निरीक्षक अभिनव मिश्रा, उप निरीक्षक आशीष कुमार तिवारी, प्रभात सिंह, हेड कांस्टेबल सोहन लाल यादव, रामलोचन मौर्य, कांस्टेबल प्रदीप यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपीसीटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना खोराबार को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें इन्होंने बीते शनिवार को फोरलेन हाईवे पर एक व्यक्ति को रोककर उसकी बाइक लूटना या मोबाइल लूटने के साथ साथ उसका पर्स लूटने की जो घटना घटित हुई थी उस लूट का सफलता अनावरण किया है। इस घटना में कुल 4 लोग थे जो 2 बाइक से आए थे। वादी से जब प्रॉपर डिटेल में पूछताछ की गई कि उसके साथ एक घटना किस तरीके से कारित हुई है, पुलिस के लिए चैलेंज था क्योंकि एक तरीके से 4 लेन हाईवे पे एक तरीके से ब्लाइंड काइंड ऑफ लूट थी। वादी द्वारा बताया गया कि कुछ लड़के जो हैं वो R15 नामक बाइक पर थे और दूसरे अपाचे पर थे। जब R15 बाइक के बारे में पता किया गया उस चक्कर में कितनी R15 बाइक है, उसके आधार पर धीरे धीरे पुलिस ने एलिमिनेशन करते हुए अभियुक्त तक जा पहुँचे और इस घटना को 48 आवर्स के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया है। घटना में प्रयुक्त हुई R15 भी बरामद हुई है और वादी की लूटी गई मोटरसाइकिल और उसका मोबाइल है उसका पर्स भी बरामद किए गए हैं। इस अभियोग में 4 अभियुक्त हैं टोटल, उनमें से 2 वांछित हैं, 1 बाल अपचारी है, एक अर्जुन निषाद और बोदर पुत्र जगतलाल थाना खोराबार का ही रहने वाला है, इसको जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरी घटना में देखा जाए तो अपराधी घटना किसी की नहीं थी, इस घटना में वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में इस तरीके की वर्तमान परिस्थितियों में इस तरीके की घटना को कारित करना अपने आप में एक किसी बड़े अपराध को अंजाम देने से कम नहीं है कि आप हाईवे पे खड़े रह के किसी भी चलती गाड़ी को रोक कर उसको आप लूट ले जाएं। बिल्कुल काउंसलिंग की ज़रूरत है, लेकिन काउंसलिंग से ज़्यादा ज़रूरत है कि इस तरह के बाल अपचारी वगैरह हैं इनके अभिभावकों को भी अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों को सलाह देनी चाहिए, उन पर नज़र रखनी चाहिए, उनकी संगत कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ जाते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी रखनी चाहिए और किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों के साथ बैठें और उनके साथ इस तरह घटना अंजाम दें उससे पहले उनका ध्यान रखें बेहतर रहेगा। थैंक यू।